स्टूडेंट दानिश अभाषा सालवी योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार क्या होता है, इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें डीएनए के बारे में, हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किस तरीके से प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। इज दैट क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट वन, वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस वैज्ञानिकों ने इसमें एक्सपेरिमेंट किए, साथ ही साथ चारकोफ रूल के बारे में बात करेंगे, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझेंगे, सारी की सारी चीजें आज हम देखेंगे अबाउट द डीएनए। क्लियर दैट? आ जाइए। देखो बच्चों, डीएनए स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। दैट मींस हम ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये बात करते हैं, ये किस सेंस में बात करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में बात करें, जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें। हाँ भाई, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक लेवल हो या फिर हम बात करें कि जीन्स हो, जब इसकी स्टडी हो किसके लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, राइट, आरएनए के लेवल पे, या फिर हम बात करें प्रोटीन के लेवल पे, तो एक ऐसी स्टडी जहां पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल और जीन्स के बारे में बात हो, वो ही असल में क्या है, हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड जीन्स एट द लेवल ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ में आ गई। अब देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल जो कि तुम्हें क्या दे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, ये आरएनए भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, जो तुम्हें क्या दे, तुम्हारा जो जेनेटिक मेकअप है उसका इंफॉर्मेशन दे, वही क्या है, असल में जेनेटिक मटेरियल है। सो एनी बायोमोलिक्यूल विच कैन स्टोर, ट्रांसफर, एक्सप्रेस, रेप्लीकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ भी हो जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है और साथ ही साथ रेप्लिकेट हो सकती है, वो सभी के सभी बायोमोलिक्यूल क्या कहलाएंगे, हमारे जेनेटिक मटेरियल कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? राइट। तो अब हमारे पास क्या है, जॉन फ्रेडरिक सर। देखो बच्चों, जितने भी डीएनए के बारे में पता लगा है, चाहे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके अंदर क्या एसिडिक नेचर है, क्यों है, कैसे उसका न्यूक्लिक एसिड हमने नाम दिया, सारे सारे बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पर कोलैबोरेशन है। वैसे ही हमारे फ्रेडरिक जो हमारे मिशर सर थे, उन्होंने बताया कि एक ल्यूकोसाइट सेल लिया, उसमें से उन्होंने क्या करा, न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में से उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया, उन्होंने कहा ये एसिडिक नेचर का है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला कोई एसिडिक मॉलिक्यूल, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई ये तो क्या है, न्यूक्लियन है, तो क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियन नाम दिया। किसने दिया, हमारे फ्रेडरिक मिशर ने। सो आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम ल्यूकोसाइट कॉल्ड इट न्यूक्लियन, राइट। वैसे ही हमारे जो अल्टमान सर थे, जब फ्रेडरिक मिशर ने बताया कि ये एसिडिक बाय नेचर है और इसको उन्होंने न्यूक्लियर नाम दिया, तो बोला कि इसका नाम क्योंकि न्यूक्लियस से आइसोलेट किया है, तो क्यों ना मैं इसको न्यूक्लिक एसिड ही बोल दूं। तो जो हमारे अल्टमान सर हैं, उन्होंने न्यूक्लियन को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। ही इज क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म न्यूक्लिक एसिड इन 1889, रिप्लेसिंग फ्रेडरिक मिशर्स टर्म न्यूक्लियन। न्यूक्लियन को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। कब, जब, when it was demonstrated that nucleon was acidic, जब उन्होंने बताया कि nucleon acidic है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, nucleon को nucleic acid। Clear that? फिर हमारे पास आया चारकोफ रूल, ठीक है सर। चारकोफ ने क्या बताया कि किस तरीके से जो हमारे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये किस तरीके से कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितना यदि ग्वानिन होगा तो कितना हमारे पास साइटोसिन होगा, कितना हमारे पास एडेनिन है तो कितना हमारे पास थाइमिन है, कितने रेशो इसमें होगा, ये सारे के सारे रूल्स के द्वारा किसने बताया, सर चारकोफ ने। अभी हम जब ये चैप्टर जो पार्ट है ये एंड करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय चारकोफ रूल। क्लियर दैट? नाउ वी हैव रोजालैंड फ्रैंकलिन। रोजालैंड फ्रैंकलिन ने क्या बताया बच्चों, उन्होंने बोला कि जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी होता है, उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सरे क्रिस्टोग्राफर हुज वर्क वॉज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उन्होंने क्या बताया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखा, देखो देख रही है मैम, ऐसे देखा, बोला कि अच्छा ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने ऐसे ही डीएनए का, ऐसे ही आरएनए का, कॉल का, ग्रेफाइट का, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया. नाउ वी हैव वॉटसन एंड क्रिक, जो हम मॉडल पढ़ते हैं बच्चों कि राइट हैंडेड हमारे पास डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया. यही देखा जाता है, आपसे पूछा जाए हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किसने दिया, राइट, तो वो कौन है, हमारे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसको हम अभी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने, राइट. यहाँ तक समझ में आ गई. सो नाउ वी हैव न्यूक्लिक एसिड. देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमने कहा ये दो तरह के हो सकते हैं मैम, एक हो सकता है डीएनए और एक हो सकता है आरएनए, हाँ है ना. लेकिन न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड असल में हमारा क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है, तो दैट मीन्स मैम किसी ना किसी मोनोमर से तो ये बना होगा, इसकी भी कोई मोनोमर यूनिट होगी, तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड. क्या है इसकी मोनोमर यूनिट, न्यूक्लियोटाइड है. तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे मोनोमर से जुड़ करके बना हुआ है, और मोनोमर क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड. अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें, आ जाओ. जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें मैम तीन चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, आ जाओ. इसके अंदर होता है हमारा सबसे पहले पेंटोज शुगर, फिर हम बात करें इसमें होते हैं नाइट्रो जीनस बेस, और इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है. तो सबसे पहले देखो अब क्या होता है बच्चों, अब हम बनाएंगे कि डीएनए को कैसे बनाते हैं, या डीएनए कैसे बना हुआ है, क्लियर दैट, डीएनए जो है कैसे मिलकर के बना हुआ है. तो डीएनए की आप बात करो, आ जाओ, डीएनए फुल फॉर्म बताओ, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, किससे मिलकर के बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है. मैं डीएनए को बनाना चाहती हूं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पेंटोज शुगर, ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें पेंटोज शुगर चाहिए. पेंटोज शुगर को जिस भी बच्चे ने अभी तक मेरा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर देख लो, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको यहां से नहीं पूछेंगे, ठीक है, यहां पर आपको प्यूरीन पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे, बायोमोलिक्यूल में. यहाँ पर कैसे डीएनए बना है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें बेस पेयर्स हैं, किस तरीके से उसकी लेंथ है, कितना उसमें एंगल है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे इस चैप्टर में. समझ में आ रहा है डीएनए के रिगार्डिंग. सो यहाँ पर पेंटोज शुगर है, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसैकेराइड है, ठीक है, मोनोसैकेराइड है, इसमें हमने बोला था ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज, तो पेंटोज जो शुगर है, ठीक है, उसका हमें क्या बनाना है, लीनियर टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो जिसने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर देखा होगा, रिंगर रिंगर रोजेस, फोर्थ नंबर वाला कार्बन याद आ रहा है, चलो आ जाओ बना लेते हैं अपन. मैं आपसे राइबो शुगर को, ठीक है, अपन डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बच्चों इनिशियल लेवल से बना रहे हैं, ठीक है, जिसने नहीं भी देखा है उससे भी समझ में आ जाएगा. राइबो शुगर है तो कितनी शुगर होगी, कितनी कार्बन होगी, पांच, ठीक है, 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. सी एच ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू
OH, ठीक है? आप सुनो, इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकती हूँ, H डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं CHO को। अब सुनो, जो 4 नंबर का कार्बन है बच्चों, ठीक है, जो 4th नंबर का कार्बन है, ये क्या है, थोड़ा सा शैतान वाला बच्चा है, ठीक है, मैंने स्टोरी ऑलरेडी बता रखी है। तो ये क्या कहता है कि भाई मैं फर्स्ट कार्बन के पास जाऊंगा और इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा। C1 वाला कार्बन क्या होता है, पागल है क्या, पागल है क्या तू, मैं ऑलरेडी इतनी सारी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलने के लिए, और ना ही मेरे पास टाइम फ्री है। क्यों फ्री नहीं हो, क्योंकि देखो मेरी भी 4 बैलेंसी है, तेरी भी 4 बैलेंसी है, 1, 2, 3, 4, मेरी 4 बैलेंसी फुल है, ठीक है, चौथा बोलता है यार मेरी भी तो है, देखना 1, 2, 3, 4, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ खेल लूंगा, कैसे, आ जाओ, तो हम इसको खिलवाएं थोड़ा सा, आ जाओ, कैसे खेलेंगे, आ जाओ भाई, ये जो यहां से, ठीक है, मैं इसको यहां ले जा रही हूं, है ना, ऐसे ये वाला OH मैं यहां ले जा रही हूं, ये बोल रहा है कि तुम मुझसे दोस्ती कर, मेरे साथ खेल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप सुनो, ये वाला जो ये वाला जो H है वो इधर चला जाएगा, ठीक है, आ गया, और ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है, ठीक है, ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है वो आ जाएगा यू, ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई, तो मैं इसका आप सर्किल बना लूं, लीनियर फॉर्म से सर्किल वाला फॉर्म बना लूं, आ जाओ, ये वाला, ये O यहां रहा, ठीक है, ठीक है, ये वाला बन गया, तो एक तरफ इसके ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, और ये हमारा आ जाएगा C5 कार्बन। तो C1 पे आप देखोगे क्या है, H और OH, H O OH, H OH, H OH, ठीक है, H CH2 OH, यहां तक की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कि कोई, मैंने अभी पेंटोज शुगर बनाया, मैंने अभी डीऑक्सी राइबोज नहीं बनाया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल राइबो शुगर का स्ट्रक्चर बनाया। कहीं आप सोचो कि मैम इसमें तो डीऑक्सी राइबोज नहीं बना, क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से ये ओ हटेगा, क्लियर दैट, तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ राइबोज का कैसा है, साइक्लिक फॉर्म बना दिया है अपन ने, क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। अब अपन इससे क्या बनाएंगे, पेंटोज शुगर बना लिया तुमने, पेंटोज शुगर बना लिया, अब देखो, ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये हमारा पेंटो शुगर, क्लियर, अब हमारे पास आएगा नाइट्रोजनस बेसिस, अब हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस। देखो बच्चों, दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, ऐसे साइक्लिक बेंजीन रिंग वाले होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं ये, पाइरिमिडीन एंड प्यूरीन, ठीक है, याद आ रहा है क्या, एजी प्योर रहिएगा, ठीक है, एजी प्योर रहिएगा वरना कट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाइफी अपने हस्बैंड से बोलती है कि भाई बिल्कुल पवित्र रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप मेरे साथ धोखाधड़ी करें, नहीं तो हमारा जो रिश्ता है वो कट हो जाएगा, एजी प्योर रहिएगा वरना कट हो जाएंगे, क्लियर। तो प्यूरीन हमारे पास क्या है, एडिनिन एंड ग्वानिन, और यदि हम बात करें कट की, तो ये है हमारे पास साइटोसिन, ठीक है, यूरासिल जो है बच्चों, यूरासिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के केस में होगा, ठीक है, आरएनए भी तो भाई न्यूक्लिक एसिड ही है ना, उसमें भी तो ये कंपोनेंट चाहिए ना। अब तुम्हें पनीर बनाना है, पनीर से तुम्हें शाही पनीर बनाना है या कढ़ाई पनीर बनाना है, ये डिफरेंस होगा, तो तुम्हें डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, तो उसमें भी तो अंतर आएगा, न्यूक्लिक एसिड तो है, पनीर की सब्जी तो है, लेकिन शाही पनीर बनानी है या कढ़ाई पनीर बनानी है, आरएनए बनाना है या डीएनए बनाना है, डिफरेंस क्लियर आ गया। तो यहां पर साइटोसिन, यूरासिल और हमारा थाइमिन, ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में भी यदि हम बात करें पायरिमिडीन, तो बच्चों पायरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। दर्शन छोटे हैं क्यों, क्योंकि ये सिंगल रिंग से बना हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है मेरा,
एक सिंगल रिंग से बना हुआ है। राइट। और यदि मैं बात करूं किसकी, प्यूरीन की, तो प्यूरीन जो है वो मेरा नाम छोटा है, दर्शन बड़े हैं। वो कैसा है, हमारा डबल रिंग का बना हुआ है। ये कुछ गड़बड़ करी है मैंने स्ट्रक्चर में ना। ठीक है, ये कैसा है, मेरा डबल रिंग है। कौन, मेरा प्यूरीन। प्यूरीन लिख दूं यहां पे, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें। प्यूरीन डबल रिंग का स्ट्रक्चर है। नाम छोटा, दर्शन बड़े। नाम बड़ा, दर्शन छोटे। क्लियर दैट। सिंगल रिंग का बना हुआ है। यहां पर एडीन, यहां पर क्या होगा हमारा, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल इन द केस ऑफ आरएनए, एंड हमारा यहाँ पर होगा एडिनिन एंड गुआनिन। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई क्या बच्चों? अब सुनो, मेरे पास बचा है क्या, तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है मैम? वाह, फॉस्फेरिक, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हम कैसे लिखते हैं, H3PO4। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लो एक बार। P बीच में लिखोगे, OH, OH, OH एंड हमारा डबल बॉन्ड O हो गया। PO3 मतलब H3PO4 हो गया हमारा, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब हमारे पास क्या हो गए, हमने बोला एक कटोरी नमक चाहिए, एक कटोरी धनिया चाहिए, एक कटोरी मिर्ची चाहिए, एक कटोरी ये पाउडर चाहिए, एक कटोरी ये चाहिए। सारा हमने कंपोनेंट को, इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर लिया। अब हम बनाएंगे हमारी सब्जी, यानी कि हमारा डीएनए। आ जाओ, अब डीएनए बना ले, बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी रिंग है HOH, क्योंकि अपन डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबो शुगर बनाएंगे। तो यहां पर भी H, यहां पर भी H, HOH, HCH2OH। ठीक है, ये मेरा बन गया राइबो शुगर। इस पे मैं क्या लगा दूंगी, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस लगाऊंगी यहां पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कर लो नाइट्रोजनस बेस से लगाएंगे, यहाँ OH, यहाँ पर H। अब जहां पर तुम्हें ये OH दिख रहा है कार्बन नंबर पहले पे, यहाँ पर तुम इसको कर दोगे डिलीट, कर दो डिलीट, कर दिया। अब यहाँ पर क्या लगाओगे तुम, कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अपन नाइट्रोजनस बेसिस। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एडिनिन, इट कुड बी ग्वानिन। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड है, ठीक है, जो एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का नाम हमें याद रखना है। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम बोलेंगे, जो कि एक शुगर और एक हमारा नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनेगा, उसको मैं बोलूंगी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैम इसका नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों हुआ, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ख्याल। क्या आना चाहिए, देखो बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, तो यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके नाइट्रोजन के बीच में, और चूंकि शुगर है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये बात तो पता है ना, कार्बोहाइड्रेट के बीच में क्या पाया जाता है, तो एन हमारे इस रिंग का एन, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि हमारे पास शुगर है, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तुमसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारी पेंटो शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस है, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहेंगे हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां तक मैंने जोड़ लिया, तीसरा इंग्रेडिएंट जोड़ दें क्या हमारे पास, आ जाओ तीसरा इंग्रेडिएंट अमन बनाते हैं कोई ढंग के कलर से, आ जाओ।
अब हमारे पास क्या है बच्चों, फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड है, राइट right? ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, निर्जलीकरण, यानी कि हम करवाएंगे यहां से रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O करवा लो। अरे यार हो गया, H2O गया, H2O गया, हटा दो मैं यहां से H2O, ये लो, बन गया बॉन्ड, बन गया बॉन्ड। ठीक है, अब देखो आप, ये क्या है, CH2OH था, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या था बच्चों, ये है हमारा अल्कोहल, हाँ है ना, लेकिन मैम आप कह रहे हो यहां पर भी तो OH था, तो ये तो अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड। तो जब एसिड और अल्कोहल के बीच में कोई बॉन्ड पाया जाता है तो उसको मैं कहती हूँ एस्टर बॉन्ड, क्या कहती हूँ, एस्टर बॉन्ड। अब एस्टर क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड है, तो इसको मैं कहूंगी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्या कहूंगी, इस बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों, एक मिनट रुके, H2O, तो यहां पर आ जाएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब आप कहोगे मैम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड सुना था, आप तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ही कह रहे हो, वो कैसे, अभी अपन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्या बनाया है, एक हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ठीक है, एक हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया। एक और चीज सुन लो, यहां से जब तक ये वाली कहानी थी, जब तक ये वाली कहानी थी, इसको तुमने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड, हाँ है ना, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हमने ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, यहां लिख दूं, जब मैंने ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तो अब मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, यानी कि मैंने एक मोनोमर यूनिट बना ली है, क्या एक मोनोमर यूनिट बना ली न्यूक्लिक एसिड की। एनी डाउट हियर, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, किस तरीके से एक साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं, ये बात समझ में आ गई क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट डन बच्चों। अब सुनो एक और बात, अब यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी समझदार वाली बातें। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, 3, 4 and 5, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 नंबर के कार्बन पे हमारे पास क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, 5 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और ये जो 3rd नंबर का कार्बन है वहां पर OH हमारा ऐसे की ऐसे पड़ा हुआ है। अब हम क्या बना रहे हैं, चूंकि अभी मैंने एक मोनोमर बनाया, मुझे तो क्या बनाना है, पूरा का पूरा DNA बनाना है, DNA क्या है, बहुत सारे ऐसे यूनिट से मिलकर के बनाए, तो फटाफट से अपन पॉलीमर बना ले, आ जाओ पॉलीमर बनाते हैं, कम थोड़ा सा मैं टिल्ट करके बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में दिखेगा नहीं, इसलिए ठीक है। OH, क्लियर दैट, ये हमारा एक क्या बन गया, हमारा मोनोमर बन गया। अब इसमें मेरे को और फर्दर जोड़ना है, तो सुनो बच्चों, अब
आप यहाँ पर, मैं पूरा का पूरा तो बहुत लंबी चैन नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखो क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये क्या है, राइबो शुगर है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है, मेरा फिफ्थ नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेरे, है ना। फॉस्फेट ग्रुप क्या बोलता है कि मैं ही जो है आगे जाके कनेक्टिविटी बनाऊंगा, तो अब मैं क्या बन जाती हूँ, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, अब मैं फॉस्फेट ग्रुप हूँ। इफ फॉस्फेट ग्रुप से, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये मेरा नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है, अब ये जो मेरा हाथ फ्री है, जो इसका ये वाला हाथ फ्री है, ये बोलेगा कि जो ऊपर वाला जो नाइट्रोजनस बेस है, सॉरी जो ऊपर वाला मेरा पेंटोस शुगर है, उसके साथ भी मैं कनेक्टिविटी बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो थर्ड नंबर का जो OH है, उसके साथ में यहाँ से क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, कनेक्टिविटी कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसने बॉन्ड कैसे बनाया, आ जाओ यहाँ पर से, इसने ये OH को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आ जाओ रिमूव करवा दूँ, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन गया। अब सुनो, ये क्या है, राइबो शुगर है, ये क्या है हमारे पास, ये भाई क्या हो गया हमारा, देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहां पर हमारे पास OH है, एल्कोहल है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, वापस से फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आ गया, क्या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आ गया। चूंकि एक हमारे पास क्या है, कहां गया, एक हमारे पास यहां पर भी क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, और एक हमारे पास यहां पर है, दोनों को मिलाकर के मैं क्या बोल दूंगी बच्चों, फॉस्फो डाई, दो है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो डाई एस्टर बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई, कैसे पूरी चेन बनती है, कैसे एक पॉलीमर बनता है मोनोमर यूनिट के साथ जुड़ जुड़ के, वो ही हमने सीख लिया। आ गई बात समझ में कि कैसे जुड़ी जाती है। अब सुनो, इसका ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, ठीक है, ये यहां पर क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। और जो आप ये थर्ड एंड यहां पर देख रहे हो, ठीक है, ये हमेशा OH के साथ खाली रहेगा, तो दैट मींस ये क्या है, 3 prime, और ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 prime, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसा है, 5 prime to 3 prime, ये समझ में आ गई क्या। अब हम क्या कह रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, जब आप चारगॉफ रूल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चारगॉफ रूल हमेशा कैसे कर रहा है, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसी पे ही वो रूल अप्लाई हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वो अभी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या बनाया, एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया, लेकिन हमारा जो DNA है वो कैसा होता है, हेलिकल होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ ठीक है। अब देखो, जब दूसरा ऐसा स्ट्रैंड हम जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड हम जोड़ेंगे, तो यहां पर मैं एक बार बना के दिखा रही हूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है। मैं हमेशा ये पूरा रिंग बना देती हूं, क्या
क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या बताना चाह रही हूँ, क्या आपको पता है जो ग्वानिन है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ कनेक्ट रहता है, और जो एडिनिन है वो हमारा थाइमिन के साथ कनेक्टेड रहता है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा? यहाँ से ऐसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होगा कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5' से 3' है, तो दूसरी स्ट्रैंड इसकी जस्ट कैसे होगी? एंटी होगी। तो मैं बना लूं एंटी, अब क्या होंगे देखो, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो आएगी वो उल्टी चेन आएगी। ठीक है, उल्टी चेन आएगी, उल्टा बनाओ उसको। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या जाएगा, CH2 OP OH OH। ठीक है, और ये हमारा OH, फिर इसके साथ क्या होगा, एक और उल्टा बनाओ। उल्टा बनाना बड़ा थोड़ा सा टफ है भाई, कोई गलती हो तो अभी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी CH2 OH इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा H, इधर OH। ठीक है, और ये OH की जगह आप भी ऐसे ही बनाना बच्चों। ठीक है, O फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो वापस से, OH OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O। ठीक है, और इसका H भी हट जाएगा। ठीक है, वाह, अरे ठीक है। अब देखो यहां पर उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो गया, यहां पर तुम्हारा क्या रह गया 5', और यहां पर ये खाली है तो ये हो गया 3'। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ग्वानिन है तो ये यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा साइटोसिन, यहां पर एडिनिन है तो यहां पर आ जाएगा थाइमिन। ये जुड़ेंगे डबल बॉन्ड के साथ और ये जुड़ेंगे हमारे ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आ गई क्या बात समझ में? बन गया हमारा डीएनए, बन गया ना, हाँ या ना, पॉलीमर बन गया हमारा, न्यूक्लिक एसिड बन गया, जिसमें हमने क्या बना लिया, डीऑक्सी राइबो शुगर बना लिया, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बना लिया। क्लियर दैट? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत है? एनी डाउट हियर? तो हमने क्या बना लिया, हमने बना ली बैकबोन। अब आप देखोगे कि अब बैकबोन की बात भी बता दूँ, अब नॉर्मल हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शुगर है। ठीक है, शुगर से जुड़ेगा फॉस्फेट और यहाँ पर मेरे पास जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ऐसा है, फिर मेरा शुगर है, यहाँ पर मेरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, फिर ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, फिर मेरा शुगर हो जाएगा, ठीक है, शुगर फिर नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ेगा, यहाँ पर मेरा फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर ये इससे जुड़ेगा। तो ऐसे करते करते ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही सेम टू सेम यहां पर मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, यहां पर मेरे पास शुगर, यहां पर मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप, फिर मेरे पास शुगर, इधर नाइट्रोजनस बेस, राइट, इधर मेरा फॉस्फेट और ये इससे जुड़ जाएगा, फिर मेरा शुगर, यहां पर मेरा फॉस्फेट, गलत कर दिया ना, लाइक दिस। ठीक है, फिर ये ऐसे है, फिर ये जुड़ा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा नाइट्रोजनस बेस, फिर शुगर आ जाएगा, फिर मेरा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इस तरीके से, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो आप देख रहे हो कि स्टेबिलिटी जो है इस डीएनए का, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड के द्वारा आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आ रही है स्टेबिलिटी, हाँ है ना, और एक आ रही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा स्टेबिलिटी आ रही है। क्लियर दैट? और जो बैकबोन है वो किससे बनी हुई है,
हमारी फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई है ना, ये डीएनए की बैकबोन है, ये किससे बनी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, और इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही क्या है, ये हमारा डीएनए जो है एसिडिक इन नेचर है, आपको पता होना चाहिए। जो डीएनए है वो मेरा एसिडिक इन नेचर क्यों है, इस हमारे बैकबोन की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ये तुमने डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लिया क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर दैट, अब कुछ बात है। अब सुनो एक और बात, देखो बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर जो हमारा बना हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आप बोलोगे कि मैम एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये पांच मेरे पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड है। और इस न्यूक्लियोटाइड कैसा है, मेरा जो डीएनए है वो मेरा लीनियर डीएनए है, इसके अंदर कितने हमारे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 चार आ जाएंगे। यानी कि जितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उतना एक कम नाइट्रोजनस हमारा क्या होगा, उतना हमारे पास फॉस्फो जो डायस्टर बॉन्ड है वो होगा, मतलब उससे एक कम। और यदि मैं यही सर्कुलर बना दूं, एक दो तीन चार पांच, तो अब मेरे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, एक दो तीन चार पांच, तो सर्कुलर डीएनए है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, 5, ठीक है। यदि पांच तुम्हें न्यूक्लियोटाइड दे रखा है, पांच मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड की, और यदि पांच मोनोमर तुम्हारे पास लीनियर में है तो कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर दैट। चलो अब हमारे पास रीड कर लेते हैं हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर पॉली न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ फॉलोइंग 3 कॉम्पोनेंट, पेंटो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। पेंटो शुगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है, ओ हटा दिया, राइबोज है तो ओ एच प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बेस जो है या नाइट्रोजिनस बेस कर लो, दीज आर टू टाइप, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। पायरिमिडीन, दीज आर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, यानी कि सी यू टी कट, लाइक दिस। कितना है, सिंगल चेन, सिंगल हमारे पास रिंग प्रेजेंट है, सिंगल रिंग प्रेजेंट है, क्लियर। नाउ प्यूरीन, दीज आर एडिनिन एंड ग्वानिन, ए जी सुनिएगा, प्योर रहिएगा, यानी कि प्यूरीन कैसी है, डबल रिंग प्रेजेंट है। फॉस्फेरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ वी हैव डीएनए, डीएनए का यदि मैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की बात करूं तो वो कैसा है, मेरा हेलिकल स्ट्रक्चर है, आ जाओ वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बातें समझने की है वो बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्या पिच होता है डीएनए का, कितना हमारा वो एंगल होता है, कितने हमारे पास बेस पेयर है, कितने हमारे पास बेसिस है, क्लियर बात। अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, आहा, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 एंड 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चों जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मेरा यहां तक, ठीक है, ये क्या है, वन टर्न डीएनए हेलिक्स है, इसको मैं वन टर्न बोलूंगी बच्चों, ठीक है, क्या बोलूंगी, वन टर्न। और ये जो है इसका जो हाई लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है मेरा 34 एंगस्ट्रॉम, और यदि मैं नैनोमीटर में बात करूं तो 3.4 नैनोमीटर इस वन टर्न हेलिक्स का लेंथ है, कितना, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर, ये बात समझ में आ गई। और एक टर्न में कितने तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, कितने तुम्हारे पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, तो आपके पास प्रेजेंट है, बेस पेयर बोलूंगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बेस पेयर, 1 टर्न के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, बट 20 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ओ हाँ ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो दैट मींस 20 बेसेस प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? वन टर्न में तुमसे पूछे कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है तो 10, कितने बेसेस प्रेजेंट है तो 20। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब सुनो, चूंकि इसकी लेंथ ठीक है कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, तो इन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में कितना गैप है, तो आप कर दो, क्या करोगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, यहां से यहां तक जो इसका एंगल है बच्चों, ये एक दूसरे से पूरा 360 टर्न पे घुमा हुआ है, 360 डिग्री एंगल पे घुमा हुआ है, तो 360 डिग्री इसका एंगल है। ठीक है, तो मैं कहूं एक बेस पेयर, ठीक है, अब मान लीजिए कि कैसे बताऊं, कोई वायर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, सुनो, वायर नहीं मिल रहा, नहीं वायर मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, जस्ट अ वेट बच्चों, ना ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये क्या है, डीएनए का हमारा हेलिकल डीएनए है, अरे भाई ये मेरा डबल हेलिकल डीएनए, तो आप देख रहे हो ये एक टर्न जो है, ये वाला एक टर्न, ये कितना है मेरा, ये एक वाला टर्न है, यू ऐसे देखूं तो, और इस टर्न के अंदर क्योंकि 360 डिग्री है, तो जैसे एक और तरीका बताती हूँ, ये कभी कभी किराए के मकान पे रहते हो तो जो मकान मालिक होते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे लोहे वाली घूमने वाली सीढ़ियां बना देते हैं और उस पर स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, अब स्टेयर्स ऐसे तुम घूमने जाते हो, ये राइट हैंडेड, जब तुम रेलिंग बाहर की तरफ होगी और उस रेलिंग को, ठीक है ध्यान से सुनना बात को, यदि रेलिंग बाहर की तरफ और उस रेलिंग को तुम अपने राइट हैंड से पकड़ के चढ़ रहे हो, ठीक है, तो दैट मींस तुम्हारा डीएनए, अब ये डीएनए है, ये राइट हैंड हैंड की तरफ से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो दैट मींस वो कैसा हो गया, राइट हैंडेड, ये कैसा डीएनए तुम्हारा, राइट हैंडेड डीएनए है, राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट है, तो ये राइट हैंडेड डीएनए, दैट मींस जो हमारे अंदर डीएनए मिलता है वो कैसा है, बी डीएनए, डीएनए के भी टाइप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, क्लियर दैट, तो ये कैसा है, बी डीएनए है, राइट हैंडेड है, क्लियर, और क्या बच गया हमारा, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग हो गया। अब सुनो, क्योंकि ये 360 डिग्री है, ठीक है, तो एक जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस पे कितना एंगल पे है, तो चूंकि ये 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, ये 360 है, 10 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, 336 डिग्री एंगल पे ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, यहां पर तुम्हें ये चीज दिख रही है, गहरी दिख रही है, और इसकी अपोजिट ये कैसी है, कम गहरी है, तो ये हो गई मेरी मेजर ग्रूव और ये हो गई मेरी माइनर ग्रूव, डीएनए मेरा कंप्लीट हो गया। अब सुनो, ये जो वन टर्न है ना बच्चों, वन टर्न है जो ये मेरा 34 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसी को ही मैं पिच ऑफ द डीएनए भी कहती हूं, ठीक है, क्या कहती हूं, पिच ऑफ द डीएनए भी कहती हूं, इज दैट क्लियर, आ गई क्या बात समझ में, डीएनए के बारे में बात समझ में आ गई क्या, एक बार रीड आउट कर ले, क्लियर, चलो आ जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों, चलो, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, कितने बेस पेयर उसके अंदर प्रेजेंट है वो ही हमारी डीएनए की लेंथ को बताता है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आपकी एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे,
याद रखेंगे, यदि तुमसे बैक्टीरियोफाज 174 के बारे में पूछा जा रहा है तो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5386 न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कैसा है ये? अब सुनो एक और बात, यहां पर तुम्हारे पास बोला है न्यूक्लियोटाइड, यहां पर तुम्हारे पास बोला है न्यूक्लियोटाइड, यहां पर तुम्हारे पास बोला है बेस पेयर, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई, बेस पेयर बोल रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, क्लियर। फिर यहां पर यदि मैं बात कर रही हूं इशीरिया कोलाई की, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर होता है और ये इसका क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ह्यूमन डीएनए की बात करें तो वन स्ट्रैंड में डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, वन स्ट्रैंड डीएनए के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, इतना बेस पेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर, क्लियर दैट। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखो, यहां पर ये हमारी शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पूछ रहे हैं, यहाँ पे 5' है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे हमारे पास 3' है, OH ग्रुप अटैच्ड है, आ गई बात समझ में। बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बना रहे हैं, हमारा डीएनए बना रहे हैं, ये देखो। अब यहाँ पर एडिनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारा ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट पर चल पता लग गया आपको। नाउ वी हैव हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर ये हमारी माइनर ग्रुप, ये हमारी मेजर ग्रुप, ऐसे ही हमारे अंदर देखो ये क्या है, पर टर्न की बात है, देखो यहाँ से इसने टर्न लिया है 3.4 नैनोमीटर, यदि मैं इसको वैसे बोलूँ तो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो तुम 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम, दो न्यूक्लियोटाइड बेस के बीच में जो स्पेस है उसकी जगह बात बता रहे हैं, एंगल जो बता रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नाउ अब हमारे पास क्या है, ये एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन रहेगा, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन रहेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है हमारे पास जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एसिडिक इन नेचर होता है। द सेलियंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज, अब कौन कौन से जो डीएनए के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो फीचर्स क्या क्या हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ स्ट्रैंड विच आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, मैंने क्या बोला था, जो हमारा जनरल डीएनए की हम बात करें तो कैसा है, राइट हैंडेड है, तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, मैंने क्या बोला था कि एक को अपन को यदि अपन ने एक ऐसा बनाया है, राइट, एक को अपन ने ऐसा बनाया तो दूसरे को हमने ऐसा बनाना ही पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे से जाके अटैच होंगे, है ना, तभी वो एक दूसरे से जाके अटैच होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि ये 5' to 3' है तो ये 3 तो ये हमारा 5' to 3' होगा, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इट मींस इफ वन स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी 5 to 3', सो अदर हैज 3 to 5', ठीक है, यदि ये 5 to 3' है तो ये इस तरीके से होगा, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, क्लियर दैट। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेलिकली कॉइल्ड लाइक ए रिवॉल्विंग लैडर, यानी कि घूमती हुई सीढ़ियों की तरह है, यदि हम क्या कह रहे हैं, तो जैसे कि मान लो घूमती हुई सीढ़ियां बना लो, एक बार ये जो रेलिंग है ये किससे बनी हुई है, फॉस्फेट और शुगर से, किससे बनी हुई है, ये फॉस्फेट और शुगर से, और बीच में जो ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये जो हमारी सीढ़ियां हैं वो बनी हुई हमारे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, बेस पेयर से बनी हुई है, क्लियर दैट। सो यहाँ क्या बोल रहा है, बैकबोन ऑफ दिस लैडर रेलिंग इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, वाइल स्टेप्स बार्स आर कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन बेसिस से बनी हुई है। एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर इज 36 डिग्री, ठीक है, जो एक बेस पेयर है दूसरे से कैसे रहेगा, 36 डिग्री एंगल पे रहेगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप्स 3.4, यानी कि मैंने क्या बोला हुआ है, ये मैंने बोला कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, यही बोल रहा है, ठीक है। इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देर आर 10 स्टेप
10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना होगा 10 बेस पेयर. क्लियर दैट. सो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, दिस इज कॉल्ड ऑफ हेलिक्स लेंथ. तो इस हेलिक्स लेंथ की, या फिर हम इसको बोलो पिच ऑफ डीएनए कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम है. क्लियर दैट. वन मेन हॉलमार्क, मेन पॉइंट, द डबल हेलिक्स मॉडल इज कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. कैसे है कि जो ए है वो थाइमिन के साथ ही जाएगा और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा. द बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या है, ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मिंग बेस पेयर. क्या बना रहे हैं, ये बेस पेयर बना रहे हैं ना, एक दूसरे से पेयरिंग कर रहा है. किससे पेयर कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पेयर कर रहा है. एडिनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन. एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, अपोजिट स्ट्रैंड वाइस वर्सा. सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड टू साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडीन. तो इसके द्वारा क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा कि जहां प्यूरिन होगा उसके जस्ट अपोजिट हमारे पास पायरिमिडीन होगा. क्लियर दैट. दिस एडिशन एच बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी. मैंने क्या बोला था, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, देखो यदि तुम्हें हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बेस पेयर है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा तो ये बीच में गैप रहेगा और गैप रहेगा तो ये हेलिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी. लेकिन यदि आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आप बीच में से नहीं टूट पाओगे. तो ये हेलिकल की जो स्टेबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, हमारा एच बॉन्ड. क्लियर. नाउ वी हैव चारगॉफ रूल. चारगॉफ रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस चारगॉफ रूल पे, जो है सीधे सीधे नीट पे क्वेश्चन आते हैं. अभी मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो इसमें जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो. चारगॉफ रूल के हिसाब से जितना हमारे पास एडिनिन है उतना ही मेरे पास थाइमिन है, जितना मेरे पास ग्वानिन है उतना ही मेरे पास साइटोसिन है. ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन. ये बात सही है. जितना अमाउंट, क्या बोल सकती हूँ मैं, जितना मेरे पास एडिनिन होगा उतना ही मेरे पास ग्वानिन होगा, जितना मेरे पास थाइमिन होगा उतना ही मेरे पास साइटोसिन. इन दोनों का जोड़, ठीक है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ पे यदि मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1. कैसे आया, देखो यदि ये 40 है तो ये 60, ठीक है, और ये भी 40 होगा क्योंकि जितना एडिनिन है उतना ही थाइमिन है, जितना एडिनिन है उतना ही थाइमिन है, तो ये भी 40 हो गया. ठीक है, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन है, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ गया. क्या समझ में आ गई, क्या रूल समझ में आ गया, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल्स टू 1. कैसे आया, जितना हमारे पास एडिनिन उतना थाइमिन, जितना हमारे पास ग्वानिन उतना मेरे पास साइटोसिन इक्वल्स टू 1. ये बात समझ में आ गई क्या, एग्जाम्पल समझ में आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली. डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों, क्योंकि इसके बीच में ही तो पेयरिंग होगी, इसके बीच में तो बॉन्डिंग होगी, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे बनेगा. डबल स्टैंडर्ड डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड. जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडीन, ए प्लस जी टी प्लस सी के बराबर हो गया. सो ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इक्वल टू 1. ये बात समझ में आ गई, मैंने समझा दिया. अब सुनो बेस रेशियो, अब यहां पर कहानी है ए प्लस टी और जी प्लस सी Not equal to one. क्यों? ये बोल रहा है कि A plus T, जितना एडिनिन होगा उतना थाइमिन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना ही हमारे पास साइटोसिन होगा. क्या यहाँ पर, तो ये 40 है तो प्लस 40 ये हो जाएगा 60 प्लस 60 तो ये क्या हो गया, 4 और 4, 8, 80/6, 6, 12, 120. क्या ये 1 के बराबर होगा, क्या ये एक के बराबर होगा? नहीं होगा ना. तो यहाँ क्या कह रहा है, बेस रेशो ए प्लस टी जी प्लस सी कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, बट
स्पीशीज स्पेसिफिक बट रियली 1.0 1.0 के बराबर ये नहीं हो सकता, बहुत रेयर होगा. तो ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं होगा. यहाँ पर इट इज हायर इन यूकैरियोट्स एंड लोअर इन प्रोकैरियोट्स. हायर यूकैरियोट्स में ये हायर होगा, प्रोकैरियोट्स में ये लोअर होगा. तो चार गॉफ रूल समझ में आ गया. आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर. ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किस तरीके से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से हमने पूरा डीएनए का बैकबोन बनाया, एंटीपैरेलल स्ट्रक्चर कैसे देखा, किस तरीके से उसकी लेंथ देखी, कैसे बेस पेयर्स होते हैं, कितना उसके अंदर गैप होता है, किस तरीके से किस किस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, सारी की सारी बातें कर ली. राइट, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छा समझ में आया होगा. इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा डीएनए है उसकी पैकेजिंग होती है. ठीक है, पैकेजिंग कैसे होगी डीएनए की, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे. फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद.